एवरीवन, वेलकम टू आर्ट अटैक। ये वही शो है जो आपको सिखाता है एक बेहतरीन आर्टिस्ट बनना कितना आसान है। तो आइए हमारे साथ और ले जाइए अपनी इमेजिनेशन को आसमान से भी ऊंचा। आज हम देखेंगे आपकी लाइब्रेरी के लिए एक मजबूत चीज, एलेक्स की बनाई हुई एक बहुत बड़ी कलाकृति, एक तकनीक जो आपकी ड्रॉइंग्स को उड़न छू कर देगी, एक बढ़िया तरकीब कई हिस्सों में बटी पेंटिंग को जोड़ने की, और कुछ बेहतरीन सुझाव हमारे अपने नारियल अन्ना की ओर से। और फिर जांबाज योद्धा ने ड्रैगन को हराकर किले और उसके वासियों को उसके चंगुल से छुड़ा लिया और वो निकल पड़ा अपने अगले रोमांचकारी सफर पर। मुझे एडवेंचर कहानियां बहुत पसंद है और ये मेरी सबसे मनपसंद कहानी की किताब है। चलिए मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाता हूँ जहाँ ऐसी कई किताबें हैं। ये देखिए, ये है भारी भरकम सुमो रेसलर। अरे भाई क्यों ना हो, इसने इतनी सारी भारी बुक्स जो संभाल रखी हैं। इसके पैर एकदम जमे हुए हैं ताकि ये किताबों को भी अपनी जगह पर जमा कर रख सके, और इसकी वजह से मुझे किताबों के गिरने की फिक्र कभी नहीं होती। हाँ हाँ, मैं समझ गया, आप भी इसे बनाना चाहते हैं ना, तो चलिए देर किस बात की है। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं चाहता हूँ कि आप ढेर सारा पुराना न्यूज़पेपर ले आएं और अब ध्यान से देखें। पहलवान का शरीर बनाने के लिए न्यूज़पेपर से एक बड़ी सी गेंद बनाइए। इसे मजबूत बनाने के लिए इसे पूरी तरह टेप से ढक दीजिए। आप जितना चाहें उतना टेप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको एक अच्छी खासी गेंद बनानी है। देखिए, पूरा होने पर यह कुछ ऐसी दिखेगी। पैरों के लिए एक न्यूज़पेपर को इस तरह से मोड़ें और फिर इस पे टेप लगा दें ताकि ये खुले ना। अब इसे एक यू शेप में मोड़ दीजिए। इसे और मजबूत बनाने के लिए टेप का इस्तेमाल करें, और मोटा बनाने के लिए न्यूज़पेपर को रेक्टेंगल में मोड़ें और पहलवान के पैरों पर लपेट दें। उसके बाद इस पर टेप लगा दें ताकि ये टिका रहे। ये देखिए, ये तैयार है। अब पैर बनाने के लिए न्यूज़पेपर लीजिए। आपको इनसे रेक्टेंगल का आकार बनाना है जो ऊपर से गोल हो। अब फिर से टेप लें और उसे पैरों से जोड़ दें। इसके बाद पहलवान के पैरों को शरीर से जोड़ दें। बड़ी गेंद को यू शेप पर रखें और ढेर सारे टेप की मदद से इसे जोड़ दें। याद रहे कि टेप लगाने में कंजूसी मत करिएगा। देखिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमारा सुमो रेसलर नीचे बैठ सकता है। ये बहुत जरूरी है कि पैर फ्लैट हो और वो एक लंबाई के भी हो। याद रहे कि ये पहलवान अपने पैर नीचे रखकर किताबों का भार सहने वाला है, इसलिए पैरों का बराबर होना जरूरी है। चलिए अब इसके बाकी के हिस्से बनाते हैं। चलिए इसके हाथ बनाए जाएं। पहले एक न्यूज़पेपर को रोल करें और फिर आधे हिस्से में मोड़ दीजिए। अब हाथ को टेप से ढक दें और उसे एक छोटे केले जैसा आकार दें। दूसरा हाथ भी बिल्कुल इसी तरह बनाइए। अब हाथों को रेसलर के बगल में टेप की मदद से लगा दें। इसके बाद काफी सारा टेप लगाइए ताकि ये ठीक से चिपक जाए, कुछ ऐसे। और हाँ, इसका सर मत भूलिएगा। न्यूज़पेपर और टेप से एक गेंद बनाइए और उसे शरीर पर चिपका दीजिए। सुमो रेसलर्स के बाल काफी हटके होते हैं, तो इसके लिए आपको एक न्यूज़पेपर से कोन बनाना है और उसे टेप की मदद से इसके सर पे चिपका देना है। ये देखिए, इसे ऐसा दिखना चाहिए जैसे कि ये किसी चिरकुट की टोपी हो। लीजिए, हमारा सुमो पहलवान तो बन चुका है। अब हमें एक ऐसी चीज बनानी है जिस पर बॉक्स अपना सारा वजन डाल सके, और ये करने के लिए हमें चाहिए एक जूते का डब्बा, कुछ इस तरह का। इसके लिए आपको इसका ढक्कन और इसके दो साइड्स निकालने होंगे, ये वाला और ये वाला। ये करने के लिए आप हमेशा बड़ों की मदद लीजिए। काटने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये देखिए, अब हम पहलवान को इस डब्बे पे जोड़ेंगे, कुछ इस तरह से। पर पहले हमें इसे मजबूत बनाना होगा, तो अब आगे भी देखते रहिए। सुमो पहलवान को न्यूज़पेपर के टुकड़ों और आर्ट अटैक पेस्ट से ढक दें, जो ग्लू और पानी को बराबर मात्रा में मिलाकर बनता है। याद रहे कि इसे पूरी तरह से ढकना है। इस तरह आपका पहलवान एकदम मजबूत बन जाएगा और किताबों का वजन आसानी से उठा पाएगा। सूखने पर इसे डब्बे पर चिपका दें। इन दोनों को जोड़ने के लिए जितना हो सके उतना टेप का इस्तेमाल कीजिए। टेप से जोड़ने के बाद इस पर और न्यूज़पेपर और आर्ट अटैक पेस्ट लगाइए ताकि ये एकदम सख्त हो जाए। देखा, ये तैयार हो गया है और ये दोनों चीजें एक साथ जुड़ गई हैं। अब ये अनगिनत किताबों को एक साथ जगह पर रख सकता है, तो चलिए अब इसे रंगा जाए। एक मार्कर से सुमो पहलवान के नैन नक्श बनाइए। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप किसी भी सुमो रेसलर की तस्वीर देखकर मदद ले सकते हैं। मैं डब्बे को डार्क रंगों से कलर कर रहा हूँ।
इसके लिए मैं लाल कलर का इस्तेमाल करूंगा। डब्बे पर यह कलर तो ठीक है, पर याद रहे कि आपको सुमो रेसलर पर यह कलर नहीं करना है, क्योंकि इस पर मैं पीले रंग का इस्तेमाल करूंगा। उसके कपड़ों को सफेद रंग करें और साथ ही साथ उसके मुंह को भी। आप चाहें तो उसके बालों पर लगाए कोन को काला कर सकते हैं और ऊपर के जूड़े को लाल। पेंट के सूखने पर एक मार्कर लेकर इसके नैन नक्श बनाइए। देखिए मैं किस तरह इसकी उंगलियां और बाकी के अंग बना रहा हूं। शाबाश। देखिए यहां मैंने ऑरेंज क्रेयॉन से कुछ हिस्सों को निखारा है और अब ये कई टनों का भार उठा सकता है। ये किताब यहां क्या कर रही है? इसे तो वहां पे होना चाहिए। और ये है सुपर लाइब्रेरियन और ये अपनी ताकत से कई किलो के एडवेंचर संभाल सकती है। वो पीछे देखिए, मुझे कुछ और भी दिखा। ये है हमारा जांबाज समुद्री योद्धा। मैंने इसे भी न्यूज़पेपर से ही बनाया है। और ध्यान से देखिए, मैंने इसकी हरी दाढ़ी बनाई है और दुश्मनों का सामना करने के लिए मैंने इसे कुल्हाड़ी दी है और एक सींग वाला हेलमेट भी दिया है। इसे कहते हैं वाइकिंग। अब दोस्तों है आपकी बारी। आप भी अपने मनपसंद किरदारों को बनाइए जो किताबों को संभाल सके। नमस्कार, मैं हूँ नारियल अन्ना, हार्ट अटैक का चहीता कलाकार। मुझे अपनी किताबों के लिए एक लाइब्रेरी बनानी है, तो चलिए नारियल टीवी देख के सीखते हैं। पहलवान का शरीर बनाने के लिए न्यूज़पेपर से एक बड़ी गेंद बनाइए। पैरों के लिए न्यूज़पेपर से एक यू आकार बनाइए और उसे टेप की मदद से शरीर से जोड़ दीजिए। उसके पांव दो रेक्टेंगल से बनाइए जिनके गोल किनारे हों और उनके पैरों से उसे जोड़ दीजिए। उसके हाथ केले के आकार जैसे बनाइए, उसका सिर एक छोटी गेंद जैसा और बाल एक कोन की तरह। पहलवान के शरीर के सारे हिस्से चिपका दीजिए और उसे पूरी तरह न्यूज़पेपर के टुकड़ों और हार्ट अटैक पेज से ढक दीजिए। फिर जूते के डिब्बे का ढक्कन और दो साइड निकाल कर टेप की मदद से उसे पहलवान से जोड़ दीजिए। आखिर में चैन की सांस लीजिए और उसे आपके चॉइस के कलर से कलर कीजिए। मार्कर से आउटलाइन बनाइए और क्रेयॉन से उसे निखारिए। सुमो रेसलर ने मुझे अपनी किताबों को ठीक से जमाने का एक बहुत ही बढ़िया आइडिया दिया है। मैं ये किताबें पढ़कर अपने आइलैंड का ख्याल रखना सीखता हूँ। और अगर आपको भी अपने माहौल का ख्याल रखने की कोई बात सीखनी है तो उसे आजमाइए। और एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, अच्छी अच्छी किताबें और बढ़िया बढ़िया कहानियाँ हमेशा पढ़ती रहिए। जूते के लेसेस बांधना सीखना कोई आसान काम नहीं है, और सबसे बढ़िया होता है कि उसे आराम से धीरे धीरे सीखा जाए और जरूरत पड़ने पे किसी खास इंसान से मदद भी ली जाए। और किससे? हमारे दोस्त एलेक्स से। वैसे आप घर में बैठकर ये सोचिए कि वो क्या बना रहा है और मुझे बताइए कि उसने लाल शार्पनर्स को कैसे और कहां पे इस्तेमाल किया।
क्या बात है, एलेक्स ने बच्चे को लेसेस बांधना सिखा दिया है। क्या आप बता सकते हैं कि उसने इन लाल पेंसिल शार्पनर्स के साथ क्या किया है? तो चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं। देखा, उसने उन्हें सूट में इस्तेमाल किया है। एलेक्स, बाकी दोस्तों की तरह मैं भी तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हो गया हूं। अगर आपको आर्ट अटैक की दुनिया की बेहतरीन चीजों में खोना है तो जाइए आर्ट अटैक की वेबसाइट www.disney.in पर और पाइए लाजवाब आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस। बीच पर तो छुट्टी मनाने में आनंद आ जाता है, लहरों के मजे लेना, रेत पर किले बनाना, पर जरूरी नहीं कि बीच पर हमेशा धूप खिली हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बीच गए थे और वहां तेज हवा चल रही थी और फिर बारिश शुरू हो गई? चलिए एक काम करते हैं, इस दृश्य को बनाकर देखते हैं। मैं आपको ये रंगीन पेस्टल से बनाना सिखाने वाला हूँ। ये वाकई में आसान और बहुत मजेदार भी है। हम एक नीले पेस्टल से अपनी ड्रॉइंग शुरू करेंगे। पहले एक हल्की लकीर बनाइए ये बताने के लिए कि यहाँ समुद्र खत्म होता है और रेत शुरू होती है। अब एक और लकीर बनाइए समुद्र को आसमान से अलग करने के लिए। हवा दाईं तरफ से चल रही है और हम ये ड्राइंग के जरिए दिखाने वाले हैं। यानी अगर आप एक नाव बनाएंगे तो वो बाईं तरफ से झुकी होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, ये सबसे जरूरी है। अब पाम के पेड़ बनाइए और उन्हें भी बाईं तरफ झुकाइए। आपको सारी चीजें ऐसे बनानी है कि लगे हवा से उन पर असर हो रहा है। बीच पर रखी कुर्सियों के कपड़े इस तरह फूले फूले लगने चाहिए और बीच पर जो लोग मस्ती करने आए थे वो शायद इस तूफानी मौसम की वजह से घर चले गए ताकि उन्हें सर्दी ना लगे। हवा की वजह से सारी चीजों को एक तरफ झुकाकर आप ऐसा इफेक्ट दे सकते हैं, इससे लगेगा कि एक तूफान आने वाला है। वैसे एक जरूरी चीज बनाना मत भूलिएगा और वो है काले घने बादल। याद रहे कि आपको आसमान का रंग ऐसे बनाना है जैसे कि तूफान का माहौल बन रहा हो। देखा, ये ड्राइंग कितनी बढ़िया लग रही है। कुछ हिस्सों पर दबाकर रंग कीजिए ताकि बादल थोड़े घने लगे। आखिर में बीच की रेत को पीला, ब्राउन और कहीं कहीं हरा रंग दीजिए, इससे ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। जरा देखिए तो ये कितना मजेदार दिख रहा है। क्या बात है, हमने इस नजारे को हवादार बनाया है पर हमें इसमें अभी भी एहसास कराना बाकी है कि बारिश होने वाली है। जानना चाहेंगे कि ये हम कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए। अब एक कॉटन बट लें और इसे पेस्टल के कुछ रंगे हुए हिस्सों पे चलाएं। इससे इसमें एक बढ़िया इफेक्ट आ जाएगा। याद रहे कि हवा दिखती नहीं है, इसलिए हम चीजें इस तरह से बनाएंगे ताकि पता चले कि हवा का उन पर क्या असर हो रहा है। हर बार अलग रंग होने पर एक नया कॉटन बट लीजिए। अगर ऐसा करने से हिस्से धुंधले पड़ रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप इन्हें बाद में पेंसिल से ट्रेस करने वाले हैं। याद रहे, अगर हवा दाईं ओर से चल रही है तो चीजें बाईं ओर झुकी रहेंगी, बिल्कुल ऑपोजिट। एक नीली पेंसिल की मदद से समुंदर में लहरें बनाइए ताकि पानी तेज बहाव वाला लगे। देखिए ये मैं कैसे कर रहा हूँ, इस तरह, बस लकीरें जो रिपल्स जैसे दिखे। अब हरी पेंसिल से पाम के पेड़ों की आउटलाइन बनाइए। आप अपनी ड्राइंग में कहीं भी लकीरें बना सकते हैं जिससे पता चले कि हवा चल रही है। तो आपको ये कैसा लग रहा है? आखिर में छाते पर भी इसी तरह काम करिए। शाबाश। अब बीच पर एक तूफान आता हुआ दिख रहा है। इस तरह का इफेक्ट लाने के लिए पेस्टल और कॉटन बट काफी काम आते हैं। आप जो चाहें वो नजारा बना सकते हैं, जैसे कि ये वाला। यहां पर खेत में जोर की हवा चल रही है, कितना बढ़िया लगता है ना? और अब जरा इसे देखिए। बेचारी लड़की, इसकी टोपी तो हवा में उड़नचू हो गई है। तो चलिए अब है आपकी बारी एक बढ़िया नजारा बनाकर उसे हवा में उड़ाने की। मेरी एक पुरानी टीचर मुझसे कहा करती थी, अपनी सोच को उड़ने दो। मैंने वैसा ही किया और देखिए मैंने कैसी ड्राइंग बनाई है। मेरे बाल हवा में उड़ रहे हैं और मेरा एक छोटा सा नारियल भी उड़ गया। इसे कहते हैं एक बढ़िया हवा हवाई आइडिया। जब आप एक 3D मूवी देखते हैं तो आपको नहीं लगता कि आप भी उस कहानी का एक हिस्सा हैं? आज मैं आपको एक खुद का 3D
यानी तीन आयामी आर्ट अटैक सीन बनाना सिखाने वाला हूँ। ये देखिए, मेरी कहानी का ये सीन एक पार्क में है, ये कोई साधारण ड्राइंग नहीं है। देखा, ये लड़का बिल्डिंग के आगे साइकिल चला रहा है, और जरा इन पेड़ों को देखिए, ये लड़के के आगे हैं। क्या आप भी इसे बनाना चाहते हैं? तो चलिए कार्डबोर्ड और पेंसिल ले आइए और शुरू हो जाइए। 3D इफेक्ट बनाने के लिए आपको जूते के डिब्बे के ढक्कन के साइज के दो पतले कार्डबोर्ड चाहिए होंगे। इसके लिए आप तीन अलग कार्डबोर्ड के टुकड़ों पर इसे ट्रेस कीजिए। अब इन सबको किसी बड़े की मदद से काटिए। हम एक कार्डबोर्ड पर वो बनाएंगे जो हम आगे की तरफ दिखाने वाले हैं। मैं कुछ बढ़िया पेड़ और घास बनाने वाला हूँ। वाह, क्या बात है! अब इस ड्राइंग को किसी बड़े की मदद से काटिए, कुछ ऐसे। इन पेड़ों को एक और कार्डबोर्ड पर रखें ताकि आपको पता चले कि आगे क्या बनाना है, क्योंकि ये असल में वो रास्ता होगा जहाँ लड़का साइकिल चलाने वाला है। साइकिल बनाने के लिए आप अपनी साइकिल की नकल उतार सकते हैं या किसी किताब से देखकर भी बना सकते हैं। ये देखिए, लड़का मुस्कुरा रहा है। यहाँ हम पीछे भागता हुआ उसका डॉगी बना सकते हैं। अब आपको इसे भी काटना होगा। काटने के लिए हमेशा किसी बड़े की मदद लें। लड़के और उसके डॉग वाली ड्राइंग और फिर पेड़ों वाली ड्राइंग को एक तीसरे कार्डबोर्ड पर रखिए, कुछ ऐसे। उनके पीछे बिल्डिंग की आउटलाइन बनाइए। अब आगे की दोनों कटी हुई ड्राइंग्स को निकाल दीजिए और बिल्डिंग वाली ड्राइंग को पूरा करें। बिल्डिंग में खिड़कियां भी बनाइए। आखिर में इन्हें भी काट लें। सुपर्ब! आप चाहें तो इन हिस्सों को साथ में रख सकते हैं। देखिए, ढक्कन के अंदर मैंने और भी बिल्डिंग्स बनाई हैं जो सबसे दूर दिखती हैं। अगर आप इन तीनों कटे हुए कार्डबोर्ड्स को भी ढक्कन के अंदर सही ढंग से लगाएंगे तो आप अपनी ड्राइंग को काम करता देख पाएंगे। देखिए, 1, 2, 3 और इसके अंदर। देखा, मेरे हिसाब से बेहतर होगा कि अभी के लिए इन्हें ढक्कन से बाहर निकाल लीजिए ताकि आप आराम से पेंट कर सकें। तो चलिए ले आइए अपने रंग। पहले मैं पेड़ों को रंग करूंगा। मैं उन्हें अलग अलग दिखाने के लिए दो अलग अलग हरे रंगों का इस्तेमाल करूंगा। पहले मैं लाइट हरा रंग लूंगा और उसके बाद डार्क हरा। पेड़ के तने के लिए मैं दो अलग किस्म के ब्राउन रंगों का इस्तेमाल करूंगा। असल में यहाँ मैं पीछे के पेड़ों को आगे के पेड़ों से अलग दिखाना चाहता हूँ। घास को डार्क ग्रीन कलर दीजिए ताकि ये हरा भरा लगे। परफेक्ट! अब मैं डॉगी को भी कलर करूंगा, इसके बाल होंगे ब्राउन। अब बारी है साइकिल चलाते हुए लड़के की। क्योंकि इसमें काफी सारी बारीकियां हैं, इसलिए आप एक पतले ब्रश का इस्तेमाल करें। आप अपने मनपसंद रंगों का इस्तेमाल करें और इस ड्राइंग में जान डाल दें। आखिर में हम बिल्डिंग्स को कलर करेंगे। मैं इन्हें ग्रे कलर करूंगा और खिड़कियों के लिए इस्तेमाल करूंगा डार्क ग्रे का। शाबाश! मैं आपको एक राज की बात बताना चाहूंगा। इन बिल्डिंग्स और सड़क को कलर करते समय ज्यादा डिटेल्स मत बनाइएगा, वरना जो फासले का भ्रम हम दिखाना चाहते हैं वो दिखा नहीं पाएंगे। देखा, आपने इस ढक्कन पर जो बिल्डिंग्स बनाई हैं, उसके लिए ग्रे रंग का इस्तेमाल कीजिएगा और घास के लिए इस्तेमाल कीजिएगा हरे रंग का। उसके बाद पूरे आसमान को नीले कलर से कलर करिएगा। अब हम इन सारी ड्राइंग्स को एक साथ लगाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए अब 3D का जादू चलाया जाए और पेंटिंग में जान डाल दी जाए। ढक्कन की चौड़ाई जितनी लंबी तीन कार्डबोर्ड की पट्टियां काटें। एक पट्टी को अंदर चिपका दें, यानी यहां ढक्कन के नीचे। अब कार्डबोर्ड पर थोड़ा ग्लू लगाइए और बिल्डिंग वाली ड्राइंग को इस पे चिपका दीजिए। अब बिल्डिंग्स के ऊपर एक और कार्डबोर्ड की पट्टी चिपकाइए और उस पर बाइक चलाता हुआ लड़का और उसके डॉगी वाली ड्राइंग चिपका दीजिए। परफेक्ट! अब यहाँ थोड़ा ग्लू लगाइए और कार्डबोर्ड की तीसरी पट्टी को चिपका दीजिए और फिर पेड़ वाली ड्राइंग को उसके ऊपर लगा दीजिए। अब अपने हाथ से थोड़ा प्रेशर डालिए और इसे दबाइए और देखिए, हमारी 3D ड्राइंग तैयार है। क्यों, ये कमाल का लग रहा है ना? आप इन ड्राइंग्स को अपने बेडरूम की दीवार पर टांग कर अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि आप कितने बढ़िया 3D कलाकार हैं। अब जब आप ये तकनीक सीखी गए हैं, तो चलिए इस तरह की और भी चीजें देखी जाए। जरा इस छोटे डिब्बे को देखिए, इसमें
एक छोटी लड़की पहाड़ के बीच अपनी पतंग उड़ा रही है। गौर से देखिए, इसमें आगे भी पहाड़ हैं और पीछे भी पहाड़ हैं। डोर को बनाने के लिए मैंने पुराने धागे का इस्तेमाल किया है, और अगर आपके पास एक बड़ा पुराना जूते का डिब्बा हो तो उससे आप क्या बना सकते हैं। क्या आपको म्यूजिक पसंद है? तो ये देखिए, यहां मैंने अपना फेवरेट कॉन्सर्ट बनाया है। जरा देखिए लोग कैसे म्यूजिक पर झूम रहे हैं, है ना। अब है आपकी बारी कार्डबोर्ड और डब्बों से कुछ बढ़िया चीजें बनाने की और कुछ बेहतरीन कहानियां बनने की। हमारा वक्त अब पूरा हो गया, पर आप फिक्र मत करिए, आप अलग अलग रंग इस्तेमाल करके कुछ बढ़िया चीजें बनाते रहिए। मैं चलता हूं, पर फिर मिलेंगे आर्ट अटैक के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों।